जी, एडवांस में मिरर और लेंस के प्रॉब्लम लेबोरेटरी फ्रेम में कई बार पूछते हैं, वेलोसिटी वगैरह निकालना होता है। तो एक्चुअली जो हम क्वेश्चन करते हैं मिरर और लेंस के, तो हम वो मिरर के फ्रेम में कर रहे होते हैं। मिरर के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वो फ्रेम हमारा मिरर में फिक्स्ड है बेसिकली। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए, मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, इमेज भी मूव करेगा, तो कैसे करेंगे? मिरर तो खुद मूव कर रहा है। और मिरर का अगर पूछ लें कि लेबोरेटरी फ्रेम में वेलोसिटी क्या है, तो ऐसी प्रॉब्लम को चाहे मिरर मूव करे या ना करे, आप लैब फ्रेम में ही कीजिए। और उसका करने का तरीका है, एक ओरिजिन ले लीजिए, ये लीजिए फिक्स पॉइंट। सपोज़ ये प्रॉब्लम है, फोकल लेंथ 10 है और यू ये डिस्टेंस 30 है, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 15 मीटर पर सेकेंड है। मिरर हमारा किस स्पीड से लैब फ्रेम में मूव करे, लैब फ्रेम में, सो दैट जो इमेज का वेलोसिटी लैब फ्रेम में ज़ीरो हो जाए। सो उसको वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, मगर गलती होने के चांस है उसमें। वो अपना आइडिया लगाना है ना, कैसे माइनस प्लस करना है। अगर एक मेथड से करेंगे तो अगर और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बेटर रहेगा मेथड से। तो मेथड इसका ऐसा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस फिक्स्ड एक्स, ये ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स वन पे, और मिरर को रखते हैं एक्स पे। और सपोज़ इमेज बन रहा है कहीं पे, रियल इमेज बन रहा है वाई पे। अब मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, यू का मैग्नीट्यूड है एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन है। वी का मैग्नीट्यूड है एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले तो इमेज का लोकेशन निकाल लीजिए। इस केस में इमेज का लोकेशन आएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन 30, यानी कि वन अपॉन 30 माइनस वन अपॉन 10, यानी कि माइनस थ्री अपॉन 30, माने हुआ माइनस टू अपॉन 30, वी की वैल्यू माइनस 15, माइनस 15। सो इधर से माइनस 15 है, मीन्स यहाँ से यहाँ है हमारा जो वैल्यू है। सो व्हाट इज़ माइनस 15? माइनस 15 इज़ आर एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड इज 15। एक्स माइनस वाई मैग्नीट्यूड इज 15, और मैग्निफिकेशन है हमारा वन अपॉन 4, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ना, मैग्निफिकेशन वन अपॉन 4 हो गया। तो इस टर्म्स में अगर करेंगे तो देखो, अब प्रॉब्लम को करके देखते हैं। अब ये जनरल टर्म्स लिख लीजिए, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन प्लस वन अपॉन, सॉरी, वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, और ये माइनस में लिखो, ये माइनस में लिखो, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, जो भी वैल्यू है माइनस वन अपॉन 10। उसकी ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो गया वन अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी प्लस वन, अब क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ से मैंने माइनस हटा दिया, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, सब मैं इधर से मेजर कर रहा हूँ। अब देखिए इसका आ जाएगा हमारा, हमें क्या ज़ीरो दिया हुआ है, वाई डी वाई अपॉन डी टी इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेबोरेटरी फ्रेम में फिक्स्ड है। सो हमारा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस या इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई वॉज वॉट? एक्स माइनस वाई वॉज 15, 15 स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली एक्स माइनस एक्स वन इज नथिंग बट यू विच इज 30 का स्क्वायर। सो डी एक्स अपॉन डी टी, 4 इधर ले आइए, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी। हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स वन अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, डी एक्स वन अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का, ये है 15। सो ये हुआ 5 dx/dt इज इक्वल टू माइनस
डी एक्स अपॉन डी टी इधर आ गया, ये प्लस होगा, सॉरी नॉट माइनस, प्लस डी एक्स वन अपॉन डी टी वॉज 15, सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3। एक तो ये मेथड है जिसमें जो है ध्यान से करो क्योंकि ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है, प्लस माइनस साइन, तो यहाँ पे आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर होगा तो करेक्ट करके देखिए, रिजल्ट करेक्ट आएगा। मैं दूसरे मेथड से करके देखता हूँ, हमारा इस मेथड से आया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, डी एक्स अपॉन डी टी वहाँ 0 हो गया, उधर हो गया डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी एक्स वन अपॉन डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी एक्स वन अपॉन डी टी 5 dx/dt इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। अब इसको जो है हम नॉर्मल जिस मेथड से अगर करते उससे भी हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन इससे जो है बाकी कॉम्प्लिकेशन बहुत आराम से हो जाएंगे। मेथड ये प्रॉपर मेथड है रेफरेंस फ्रेम में, स्पेशली प्लेन मिरर में गलती हो जाता है उसके लिए ये बेटर है, सबके लिए यही बेटर है, लेंस के लिए भी ये बेटर है। अब नॉर्मल मेथड देखते हैं, नॉर्मल मेथड में लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू एम स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/4 डी वी अपॉन डी टी हो गया। अब जो है नॉर्मल मेथड से बोल रहा हूँ, नॉर्मल मेथड से अगर ये नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये हमारा जो है ध्यान रखना है, ये हमारा मिरर के रिस्पेक्ट में होता है। सो अगर मिरर ऑलरेडी चल रहा है वी एम, सो हमारा डी वी अपॉन डी टी जो इमेज का होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, अभी मिरर के रिस्पेक्ट में आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये वाला जो है हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम में था 15, लेकिन मिरर के केस में हो जाएगा 15 माइनस वी मिरर, सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी मिरर माइनस 15/4, ये हमारा आया डी वी अपॉन डी टी आया हमारा मिरर के फ्रेम में। अब मिरर के फ्रेम में ये हमारा, हमारे को रखना है फिक्स्ड फ्रेम में 0, सो मिरर जिस स्पीड से चल रहा है मिरर के फ्रेम में, मिरर के रिस्पेक्ट में, ये उसी स्पीड से अगर उल्टा चलेगा, मिरर ऐसे चल रहा है, अब मिरर के फ्रेम, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ये उल्टा चलेगा तो फिक्स फ्रेम में इसका 0 हो जाएगा ना, तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये डी वी अपॉन डी टी जो है इसका माइनस उतना ही होना चाहिए जितना वी वी मिरर है, तो वाई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी एम माइनस 15/4, सो माइनस 4 vm इज इक्वल टू वी एम माइनस 15, सो 15 इज इक्वल टू 5 vm, सो वी एम इज इक्वल टू 3, लगभग सेम आ रहा है। दिस मेथड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई होप गलती नहीं है, आंसर तो करेक्ट ही आ रहा है, मगर ये इसमें ना आपको अननेसली विजुअलाइज़ करना पड़ रहा है कि मैं उसमें से क्या माइनस करूं, क्या डायरेक्शन है, क्या साइन है, यू तो मैं ऐसे पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें से माइनस किया, इधर को ले रहा हूं, लेकिन वो वेलोसिटी मुझे इससे इधर को लेना है, उल्टा लेना है, ये मैंने पॉजिटिव लिया था, ये मैंने उल्टा लिया इसको, इसलिए मैंने माइनस लिखा, इसके उल्टा चलना है, ये माइनस लिखा और ये मेरा जो वैल्यू आया था ये इसको इक्वेट किया, तो आंसर ऐसे आ रहा है। बेटर वो वाला मेथड है, दैट इज़ अ बेटर मेथड, आई एम माई सेल्फ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस मेथड, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्टली डन और नॉट, बट दैट्स अ प्रॉपर मेथड।